was your motivation? 4 साल पहले you started, ना? No. I started thinking about it 4 years ago. Thinking about it 4 years ago. I started it, actually started it about 6 to 7 months ago. 6-7 महीने पहले जब मैंने फजल को ज्वाइन किया तो मैं पहले कहीं और मिला था इनसे और मैंने इनको देखा और मैंने कहा सीम्स लाइक ए नाइस गाय टू मी बताया और उन्होंने कहा कि आप जिम पे आ जाओ. तो मैंने सोचा कि बहुत से लोग जो कर लेते हैं वादा कर लेते हैं कि यार इस तरह से आओ देख लेंगे जैसे पहले भी होता रहा. कुछ लोगों के साथ मैंने पहले भी काम किया वो भी बुरे नहीं थे लेकिन मतलब जो रिजल्ट्स यहाँ मुझे मिले हैं वो कभी भी नहीं मिले. एक्सपेक्टेड हाँ कभी भी नहीं मिले. और अब अच्छा व्हाट वर द रिजल्ट्स यू वर एक्सपेक्टिंग. ये एक मिनट ये आपसे नहीं पूछूंगा. फजल जब भी आपके पास आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि फजल मुझे कैसी बॉडी चाहिए. ये जब आए थे फर्स्ट टाइम तो फिटनेस की नीयत से आए थे कि थोड़ी सी वेस्ट वगैरह कम करनी है. जब इनके हमने ट्रेनिंग देखी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी कि जैसे एक प्रोफेशनल ट्रेनर होता है ट्रेनिंग करते हैं उसी तरह डाइट्स ले रहे थे वही ट्रेनिंग कर रहे थे. और जब उनका हमने जज्बा देखा तो हमने इन्हें मोटिवेट किया कि इंशाल्लाह बहुत बहुत जल्द फिट हो सकते हैं और एक अच्छे बॉडी बिल्डर भी बन सकते हैं. मगर उन तरफ उनका जो है ना तवज्जो ही नहीं है. बस आते हैं 10-15 मिनट के लिए बस 20 मिनट के लिए इतने बिजी है काम पूरा करके जाते हैं. अगर इनके पास थोड़ा सा टाइम हो तो इनकी फिटनेस और भी मजीद अच्छी हो सकती है. ओहो क्या बात. एक मिनट उन्होंने कहा कि बॉडी बिल्डिंग की तरफ उन्होंने आपको मोटिवेट करने की कोशिश की तो बॉडी बिल्डिंग की तरफ क्यों नहीं सोचते सर. बॉडी बिल्डिंग के लिए आप दिस इज अ फुल टाइम जॉब. बॉडी बिल्डिंग ये नहीं है कि आप शाम को अपने ऑफिस से अपने किसी काम से फारिग हुआ और जिम चले गए या सुबह के जिम चले गए और आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे. ये पूरी एक डेडिकेशन यहाँ पर पूरा एक आपको एक फ्रेम ऑफ माइंड में अलग से उसके अंदर आप वो टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे जो उस चीज के लिए चाहिए. अदर देन दैट मैं वो उतना डेडिकेटेड हो भी नहीं सकता इसके साथ बिकॉज़ उसके लिए स्पेशली एक एज असाइंड है. आई एम नॉट इन दैट एज नाउ बिकॉज़ मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं मतलब कुछ लोग हैं जो आई थिंक कोई अभी 50 साल का बॉडी बिल्डर भी बना उसने कोई टाइटल भी लिया है. 50 साल का ओल्ड इज गोल्ड बना है लाहौर का उन्होंने टाइटल लिया है बड़ा जबरदस्त किस्म का. तो वो अब उन साहब की जिन्होंने ये टाइटल लिया उनकी भी डेडिकेशन को सलाम है कि उन्होंने इस एज में बहुत मुश्किल होता है और वापस लेकिन वर्कआउट एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जो इंसान को एक तो उसकी एज रिवर्सल तो खैर नहीं हो सकता एज को रोक लेती है वहाँ पे आप और आपको सबसे बड़ी बात है कि आपका सारा जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव और फिर आपका सिस्टम जो है वो सारा इफेक्टिवली काम कर रहा है मतलब फंक्शनल है आप और आपको मतलब आपका स्टमक ठीक काम कर रहा है आपके सर्कुलेशन ठीक काम कर रही है आपके यूरिनरी व्हाटएवर जो भी सारी चीजें ठीक कर रही हैं सारे सिस्टम ओके जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा सा टाइम जिम में आप दे रहे हैं. जरूरी नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ ही जाएं और यू नीड टू मेंटेन योरसेल्फ फिजिकली जो कि असद ने माशाल्लाह बहुत अच्छे से किया हुआ है और फजल ने बहुत मेहनत की है. अच्छा फजल शुरू में क्या मुश्किलात थी क्या चीजें थी जो सामने आ रही थी असद के साथ. बिकॉज देखिये एक इंसान जब मल्टीपल लोगों के पास से होके आता है ना तो उसके कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट हुए होते हैं और अक्सर आपकी बात नहीं समझ रहा होता है या वो आर्ग्यू करना शुरू कर देता है. जब आप होते ना यू शॉपिंग फॉर पीपल यू शॉपिंग फॉर यू आर शॉपिंग फॉर अ गुड जिम इंस्ट्रक्टर यू नो तो इनिशियली इनके साथ भी आके बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे तो किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स फेस किए. शुरू में जो जब आए थे तो हमारी काफ़ी पुरानी एक दो बार मुलाकात हुई थी तो आए थे इन्होंने हल्की पुल्की वार्म अप वगैरह की है. इनको अंदाज़ा नहीं था कि अब मैं यहाँ रेगुलर आऊँगा या मुझे इतना टाइम मिलेगा. मेन जो इशू था वो टाइम का था. टाइम का बड़ा मसला है असद भाई के साथ. बस जब इनको हम लोगों ने तैयारी वगैरह करवाई फिटनेस करवाई तो बहुत अच्छे मतलब इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई. फिर बैठ के इनके साथ एक प्रोग्राम बनाया कि अब जो है ना रेगुलर फिटनेस करनी है और अच्छी तैयारी करनी. और जो जो ऐसी कोई आर्गुमेंट हुआ नहीं बिकॉज आई एम वेरी फ्लेक्सिबल. और फिर ये कि मैं खुद भी ये सब चीज़ें देखता रहता हूँ नेट पे भी देखता रहता हूँ खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है. कुछ मेरे बहुत से पुराने दोस्त हैं जो इवन बॉडी बिल्डिंग के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं उनके एक्सपीरियंसिस भी उनकी बातें तो मेरे पास इसके लिए कोई आई हैड एम्पल इंफॉर्मेशन. तो फजल के साथ मेरा कभी भी कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ. आई न्यू कि ये जो बता रहा था मुझे बिल्कुल सही बता रहा था ठीक है. तो मुझे उसको करने में कोई मुझे सिर्फ उसको करना था. मेहनत इसकी यही है कि मुझे उसने किए कराया रखा नहीं 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 करो बिकॉज इसमें मोटिवेट करना जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है
और फिर मिस्टर पाकिस्तान आपको ट्रेनिंग करा रहा हो तो आपके अंदर वैसी शर्म आ रही होती है यार, मिस्टर पाकिस्तान ट्रेनिंग करा रहा है तो कर और थोड़ा सा। नहीं, बट कोई ऐसी बातें होती है, क्या करा रहा है यार, मुझसे नहीं होगा, ये तो फजूल की चीज है, इसको रहने देता हूँ, छोड़ छोड़ उसकी बात नहीं सुनता, ऐसी कुछ है ना, कुछ, है ना? कुछ सेट्स कुछ सेट्स ऑफ मसल्स ऐसे हैं अच्छा। मिसाल के तौर पे शोल्डर्स की जो ट्रेनिंग है वो मेरे लिए बड़ी हार्ड है, जो लेटिसमस डॉर्स है, जो विंग्स जिनको कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत टफ है, क्योंकि वाहिद वो ऐसी ट्रेनिंग है कि मतलब उसमें आपकी ऑलमोस्ट पूरा जो अपर पोर्शन है वो इन्वॉल्व हुआ हुआ होता है, और सबसे ज़्यादा मुझे स्वेटिंग उसी में होती है और सांस भी उसी में चढ़ता है। आर्म्स हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, पेक्टोरल, मतलब ये चेस्ट हो, इवन शोल्डर्स में भी इतना सांस नहीं आता कि पूरा आपकी लोअर बैक से लेके यहाँ तक सब चीज़ें इन्वॉल्व हुई होती हैं, इवन आपके बाइसेप्स और ये शोल्डर कंपार्टमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो विंग्स की है, मैं उसे बहुत भागता हूँ, लेकिन फिर जब करने भी आता हूँ तो फिर ये लोग जानते हैं, इसलिए मुझे पसंद भी करते हैं, उनका अच्छा स्टूडेंट हूँ। अच्छा स्टूडेंट। अच्छा मुझे एक बात बताएं फजल, अभी स्वेट करने की बात कर रहे थे, कहते हैं जब तक आपने स्वेट नहीं किया एक्सरसाइज के बीच में आपके कैलोरीज लूज नहीं हुए, इज इट करेक्ट? मतलब ज़रूरी है कि आप स्वेट करो? बहुत सारे लोग इतना स्वेट नहीं करते, नहीं कर पाते, तो क्या वो कैलोरी उनकी कोई बर्न नहीं हुई क्या? नहीं, स्वेटिंग पसीना आना ज़रूरी है? पसीना आना भी ज़रूरी नहीं है। नहीं है ना जरूरी? इतना जरूरी नहीं। आप बाहर के मुल्कों में जाके देखें कितना जरूरी है। वो कहते हैं कि आपके जिम में एसी ना हो जी, आप एसी या पंखे के पास नहीं करो क्योंकि आपको स्वेट आना बहुत जरूरी है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई पसीना आए और आप पंखे और एसी के पास ना करो? बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट और ये बिल्कुल गलत ही है। अच्छा, गलत। जितना पसीना नहीं आएगा उतनी अच्छी ट्रेनिंग होगी, उतनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी। एग्जैक्टली, स्ट्रेंथ आगे आप जितनी आपकी स्वेटिंग होती है उतना आप वेयर बहुत जल्दी आप थक जाते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेट आने लगे, यू गेट आपकी बॉडी से वो खैर ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट है, एग्जैक्टली वो घूमेंगी कैसे, ठीक है ना, मसल को स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी, क्योंकि पानी इज व्हाट मेक्स यू गो यू नो इन एवरीवेयर। तो इसलिए स्वेटिंग जो है वो एक हद तक तो ठीक है, एक पॉजिटिव स्वेटिंग है, फिर एक नेगेटिव साइड पे चली, जैसे लाइट चली, एक दफा हम कर रहे थे तो लाइट चली गई, बट आई वाज टू इन्वॉल्व इन, आई डिडन्ट वांट टू, मैं उस वक्त छोड़ना नहीं चाह रहा था उसको। तो जब मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो मेरा सारा एनर्जी लेवल जीरो पे एकदम से आया, मतलब आई कुडंट इवन यार, अच्छा ये चल यार ये हो रहा था। हाँ, दैट इज द, देखिए अब हुआ क्या, वो इतनी गर्मी हो गई, आपके अंदर से इतनी हीट जनरेट हुई, इतना स्वेट किया कि आपका और एक्सरसाइज करने का मतलब बॉडी में जान जिस तरह कहते हैं ना नहीं होती, आप छोड़ देते हो। तो अगर आप उसको कूल और ठंडी जगह पे करो जहाँ पे आपको स्वेट कम कम आए, तो उससे आपका कैलोरी का बर्नआउट का कोई रिलेशन नहीं है। आप देख लें जितने दुनिया के बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं वो सारे सारे ठंडे मुल्कों में, जो सिमेट्री और जो खूबसूरती बॉडी की है वो मतलब बना तो उसे बड़े बड़े साइज के, रॉनी कोलमैन इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है, मतलब वो तो 1100-1100 pounds की वो स्क्वाट्स लगा रहा होता है, 1100 pounds की बंदा स्क्वाट्स लगा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में आपको ना हो तो आप कर पाएं, पॉसिबल नहीं है, वो कर ही नहीं सकते आप एक्सरसाइज। ओके ऐसे जी, थोड़ी सी और बातें करेंगे फिटनेस रिलेटेड, और पोल का सवाल तो अभी तक पूछा भी नहीं मैंने, हम अभी चल रहे छोटे से ब्रेक की तरफ, आप कहीं नहीं जाएगा, हम अभी वापस आते हैं।